बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और एक बहुत ही दुखी मौजू के साथ इस दुआ हम अपने नए जाविये का आगाज़ करते हैं। कुछ ऐसे केसेस मेरे तक जो पहुँचे हैं, जब सुनी मैंने उनकी दुख की दास्तानें तो सच्ची बात है बहुत तकलीफ़ हुई। आमतौर पर लड़कियाँ जब अपने पहले मियाँ के साथ मामलात को सेटल नहीं कर पाती और या सब्र नहीं कर पाती या उसके साथ अपने दिल को बड़ा नहीं कर पाती और कुछ चीज़ों की अदम मुताबकत की वजह से या समटाइम उनके मिजाज की ख़राबी की वजह से सौ वजूहत होती हैं अलग होने में जल्दी कर लेती हैं और ये सोचे बिना कि उनके पीछे कोई है कि नहीं है। पीछे अगर माँ बाप जिंदा हों तो उनको संभालने वाले होते हैं, कोई भाई बहन ऐसे हों जो बहुत लविंग हों, आपके पुश्त पे खड़े हों, तो ये फ़ैसला कर लेना चाहिए। पर अगर दोनों ही ना हों और आपकी ज़िंदगी के पीछे एक पूरा सहरा हो और खला हो और आपने ज़िंदगी का फिर फैसला खुद ही करना हो, तो याद रखिएगा अपनी शादी के लिए बर खुद ढूंढना और अपना अगर साथ एक दो बच्चे हैं उनको पालना ये आसान नहीं है। इतनी पाकिस्तानी ख्वातीन पाकिस्तान में हों या मुल्क से बाहर हों, जब उन्हें कभी इस गैप को फिल करने के लिए रिश्ता ढूंढना पड़ता है तो बहुत मुश्किल में पड़ती हैं। एक तो हमारे यहाँ वो ख़ास तौर पर जो करेज होती है वो कमी होती है, इनिशिएटिव की कमी होती है। फिर नॉर्मली ये होता है कि जो पहला कहीं मिला जिसने आपको मोहब्बत से देख लिया, आपके कहीं काम में आ गए, दो तीन केसेस तो ऐसे मुझ तक पहुँचे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब केसेस मुझ तक पहुँच रहे होते हैं तो कॉरपोरेट का कानून है कि अगर एक शिकायत आए तो उसके पीछे 48 कंप्लेंट्स होती हैं जो साइलेंट होती हैं, वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, आप तक पहुँचती नहीं हैं। तो जब कोई बहुत तंग आके दुखी होकर मुझ तक आए और आके ये कहे कि सर मैंने ज़िंदगी में एक तो वो गलती की और उसको फिर निभाने के लिए दूसरा बड़ा ब्लंडर ये किया कि नौकरी शुरू की और जिसने मेरी केयर की ही वॉज़ अ नॉन मुस्लिम, वो कोई किसी दूसरे मज़हब का था और वो बहुत मेहरबान था और बहुत काइंड था, उसने मुझे सपोर्ट किया, मेरे घर के मसले सपोर्ट किए, मेरे बच्चों को शेल्टर दी और अब मुझे उसके साथ ज़िंदगी गुजारते हुए 12 साल हो गए और इस 12 साल में मैंने दो उसके बच्चों को भी जन्म दिया है और हम दोनों का जिस्म का नाता है, राबता है, पर ना दीनी ना कानूनी, क्योंकि वहाँ तो रहायश और ताल्लुक इसी तौर पे चलता है और वो कभी कभी आ जाता है, कभी दिन में कभी रात में। आप सोचिए कि इन 12 सालों में जिन बच्चों को जन्म दिया और जो बच्चे पहले थे, उनके दिलों में आपकी माँ के बारे में क्या एहसासात होंगे और ख़ुद आप उस एहसास गुनाह के साथ कैसे ज़िंदगी बसर करते होगे हर पल। यानी उस रिश्ते को, उस ताल्लुक़ को, एक तो आपको चारों तरफ अंधेरा नज़र आता है कि देर कोई होप की उम्मीद ही नहीं होती कि कौन है जो मुझे आके से अंधे कुएं से निकाले और ज़िंदगी के नॉर्मल और ख़ुशी और सुख के रास्ते पे। और फिर जो आप रोज़ गुनाह करते हैं उसके साथ सोते हैं और फिर उसके बच्चों को जन्म भी देते हैं, अल्लाह माफ़ करे, ये इतनी बड़ी बात है कि 47 में कितने लोग जो अपनी बेटियों को ढूंढने गए थे वापस अमृतसर लाहौर से फौजी गाड़ियों में और हुकूमती अदारों के साथ, वहाँ जाके जब उनको पता चला कि वो बच्चियाँ किसी ना किसी उनको वहाँ के लोगों ने अपने घर डाल दिया हुआ है और उनके वो बच्चों को उन्होंने जन्म दे दिया हुआ है, तो उन्होंने देखते हुए भी पहचानने से इनकार कर दिया था। ज़ाहिर है उस बेइज्जती के साथ, उस एक ख़ास एक एहसास होता है डर्टी होने का, उनको वापस नहीं ला सके। वो बच्चियाँ अब बूढ़ी हो गई, उनके बच्चे जवान हो गए, वो कभी आती हैं लाहौर तो जिस तौर पे वो दीवारों को देख के और मुसलमानों को देख के रोती हैं और कुरलाती हैं, उनमें से कभी कोई हिम्मत वाली होती है तो बता देती है कि मैं भी मुसलमानों की औलाद हूँ, वरना ज़ाहिर नहीं कहा जा सकता। जिस ज़िंदगी में वो चली जाती हैं फिर मजबूर होके उसी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। पर ये आप अमरीका में हों, आप नॉर्वे में हों, आप डेनमार्क में हों, आप कैनेडा में हों, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आपका दिल छोटा है। ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ख़ुद आपने अपने रब से अपने लिए खैर नहीं मांगी, आपने जो आपको पहला नज़र आया आपने उसकी तरफ कदम बढ़ा दिया और ये सोच के कि चूँकि मुझे प्रोटेक्ट करता है, चूँकि मुझे कहीं ना कहीं तो जो शेल्टर चाहिए होता है ये मिल जाता है, तो आपने अपने दीन के अहकामात को भी ज़ाया कर दिया, आपने अपने दिल पे जो आपकी पाकिजगी थी वो भी ज़ाया कर दी। खुद आप देखिए कि जिस रिश्ते को आप किसी को बता भी नहीं सकते, जिसको ओन भी नहीं कर सकते,
आप तो उन बच्चों को भी नहीं ऑन कर सकते किसी को बताते हुए, कैसे फिर आप सब लोगों से कट जाते हो, ना बहन से मिलते हो, ना भाई से मिलते हो। जब आप कोई पूछ ले, कोई खुदा ना खासा कोई इत्तेफाक से जाने वाला मिल जाए, फिर सौ सौ झूठ होते हैं आपकी ज़ुबान पे और आपको समझ नहीं आता होता कि मैं क्या करूँ। फिर 10-20 साल गुजर जाते हैं, फिर आपके दिल पे पड़ा हुआ बोझ इतना बढ़ जाता है कि आप मुझे ढूंढते हो, मुझसे रब्ता करते हो और फिर अपना दिख पूरा दुख बाल्टी की भरी बाल्टी इतने सालों की वो मुझ पर उंडेल देते हो। आप सोचिए कि इसके बावजूद मैं ये सोचता हूँ कि वो मेहरबान रब ये चाहता है कि आप पलट आओ, वो चाहता है कि आप इस गुनाह के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे ना चलाओ और मौत आपको इस हालत में ना आए कि आप इस नाजायज़ रिश्ते और नाजायज़ ताल्लुक़ के साथ इस दुनिया से जाओ। वो बहुत बुरी पहचान होगी, यू वुडेंट बी एबल टू फेस ना फरिश्तों को और ना अपने अमाल को। किसी अच्छी माँ के बेटे थे आप, किसी अच्छे बाप की बेटी थी, किसी अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ था, पर बेटा जी पहले एक गलत फ़ैसला किया फिर दूसरा गलत फ़ैसला किया। गलत फ़ैसलों का बोझ कोई और नहीं उठाता, ना सिस्टम, ना मुल्क, ना हालात, ना दुख। गलत फ़ैसलों का बोझ आप ही को उठाना होता है, इन फ़ैसलों को ठीक भी आपने करना होता है। और जो मालिक दुनिया में अच्छे और बुरे फ़ैसले आपके सामने रखता है, वो इंतज़ार करता है कि आप उन फ़ैसलों को देखो और उनमें से जो बेहतर है अपने लिए उसका चॉइस करो। जिस फैसले को आप ओन नहीं कर सकते बाकी लोगों के सामने, वो फ़ायदा मंद हो, वो चाहे आपको जिस्मानी लज्जत दे रहा हो, चाहे आपको माली प्रोटेक्शन दे रहा हो, चाहे वहाँ सोशल एक सेटअप में रहने का, याद रखिएगा कि फिर धीरे धीरे आप अपनी पहचान भी खो बैठते हो, आप अपनी दिल की खुशी और राहत भी खो बैठते हो। और सबसे जो बड़ा हमारा सरमाया होता है वही हमारा ईमान ही तो होता है, वही हमको अंधेरे में रोशनी दिखाता है, वही हमको बेयकीनी में यकीन पे लेके जाता है और आपने उसी को खो दिया। ये ईमान जब गुम हो जाए, जब खो जाए, तो फिर उसके ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत दिक्कत होती है। सो अपने मुल्क में रहो, अपने मुल्क से बाहर रहो, जिन जिन से एक गलती के बाद दूसरी गलती नहीं करनी। जब एहसास हो जाए कि मैं गलत हूँ, उसी कदम पे रुक जाइए। याद रखिएगा, अगर आप मोटरवे से किसी गलत ट्रैक पे चढ़ गए और आपको पता भी चल गया कि मैं गलत हूँ, तो क्या फिर चलते रहोगे? फिर उस मंजिल पे जो आपकी है उस पर नहीं कभी पहुँच सकेंगे। वो तो उस सड़क को आप फॉलो करोगे जो चली जा रही है, चली जा रही है। जहाँ भी आपको वापसी का रास्ता मिले, वहीं ब्रेक लगाइए, वहीं नीचे उतरिए, वहीं रुख बदलिए और अपनी ज़िंदगी को वापस सराते मुस्तकीम पे ले आइए। ये वक्त जितना लेट होता जाएगा, उतनी ही आपकी ज़िंदगी से सुख और खुशी और राहत और बरकत सब रुखसत होती जाएगी। कभी कभी ये भी याद रखिएगा कि ये ज़िंदगी तो बहरहाल और 15-20 साल में गुजर जानी होती है, मुकम्मल हो जानी होती है। आपकी लगेसी क्या होगी? खातिर हज़रात, मेरे मेहरबान रब ने सूरह हज में ही ये 17वें पारे में है एक और आयत में फरमाया, ऐ नबी इनसे कह दो कि लोगों, मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ वो शख्स हूँ जो बुरा वक्त आने से पहले तुम्हें साफ साफ खबरदार करता हूँ, फिर जो ईमान लाएंगे और नेक अमाल करेंगे उनके लिए मग़फ़रत है, उनके लिए इज़्ज़त है। और जो हमारी आयात को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे वो दोज़ख के यार हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह। सूरह हज अगर आपने पढ़ी हो तो उसकी जो आयत है 45, मैं सिर्फ उसका तर्जमा आपको बताता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं, क्या ये लोग ज़मीन में चलते फिरते नहीं हैं? इनके दिल समझने वाले या उनके कान सुनने वाले नहीं हैं? हकीकत यह है कि आँखें अंधी नहीं होती मगर वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। जब दिल अंधे हो जाएं तो ज़िंदगी भी अंधी हो जाती है और मुस्तकबिल और आखरत भी अंधी हो जाती है। सो ये वक्त कभी नहीं आना चाहिए। जितनी जल्दी आंखें खुल जाएं, दिल की आंखें, अंदर की आंखें, उतनी ही जल्दी अपने गलत फ़ैसलों को और अपने गलत रिश्तों को तर्क कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। जो चीज़ें मुझ तक पहुँचती हैं, समटाइम इतना दिल पे बोझ होता कि मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कभी उनका एक मोटा मोटा मुलख़्स आपको बता देता हूँ। जिसे कहते हैं अकलमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है,
और मैं जानता हूँ मेरे रब ने आप सबको बहुत अकल और दानिश दी है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।